कैंडिडेट्स ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है। उनका अब फिजिकल एंड्योरेंस मेजरमेंट टेस्ट होगा। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो फिज़िकल होगा उसमें सबसे पहले रेस होगी 1600 मीटर की, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप होगी और फिर हाई जंप होगी। कैंडिडेट्स की 30 इयर्स तक की एज है, उसको रेस के लिए 6 मिनट का टाइम मिलेगा और लॉन्ग जंप 14 फुट की होगी और हाई जंप जो होगी वो 3 फुट 9 इंच की होगी, ठीक है। और 30 से 40 इयर्स तक की एज के लिए 7 मिनट टाइम मिलेगा, 13 फीट की लॉन्ग जंप होगी और 3 फुट 6 इंच की हाई जंप होगी। और उससे ऊपर वाले एज के लिए 40 साल से ऊपर के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा और 12 फुट की लॉन्ग जंप होगी और हाई जंप जो होगी 3 फीट 3 इंच होगी। इसके बाद क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल मेजरमेंट फॉर मेल कैंडिडेट्स। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो नापतोल में होगी वो हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए और जो हिल एरिया से आते हैं कैंडिडेट्स उनके लिए 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। एसटी के लिए 5 सेंटीमीटर की छूट है और चेस्ट जो होगी वो 81 से 85 सेंटीमीटर तक, यानी कि 4 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन होना चाहिए, फुलाव होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर हिल एरियाज़ के लिए छूट दी गई है, यानी कि जो हिल एरिया से कैंडिडेट आते हैं और एसटी के कैंडिडेट्स के लिए भी 5 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो रेस होगी वो 1600 मीटर होगी, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप और फिर हाई जंप। अप टू 30 इयर्स तक के लिए 8 मिनट का टाइम मिलेगा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए और 10 फीट की लॉन्ग जंप और 3 फुट की हाई जंप, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग दे रखा है, इनको ढंग से रीड कर लेना। नेक्स्ट जो होगा उसके इसको क्वालिफाई करने के बाद फीमेल कैंडिडेट्स के लिए जो नापतोल होगी उसमें हाइट जो होनी चाहिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है हिल एरियाज कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 2 सेंटीमीटर छूट दी गई है। फिजिकल क्वालिफाई होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, कास्ट सर्टिफिकेट और हिल एरिया सर्टिफिकेट जो हिल एरिया से आते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद मेडिकल होगा, इसमें क्या क्या कंडीशंस दी हुई हैं वो यहाँ पढ़ लेना ढंग से।